जितने हाथ लग जाए एक पेड़ पे, और जितने हाथ लगते हैं हाँ ये तो सबसे नुकसानदायक है। सभी को नमस्कार। आज हम हैं शिव जूनियर हाई स्कूल मालदेवता में, और यहाँ पर आज जो हम पौधे लगा रहे हैं ये रजत उपाध्याय के यहाँ पर आजकल पौधे लगने हैं, जिन्होंने हमें 51 पौधों का सहयोग किया है। और आज हमारे जो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं विजय भट्ट जी हमारे साथ में हैं, जो कि हमारे जो देहरादून में खलंगा है, खलंगा के जो पेड़ कट रहे थे उनको बचाने का श्रेय भी आपको जाता है। आपने बहुत मेहनत की है और हमेशा पर्यावरण से प्यार करते हैं, तो आज आपने जो पेड़ लगाया है थोड़ा सा इस पेड़ के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है, आप क्या वो कर सकते हैं इससे, तो आप अपनी परिचय दीजिए। धन्यवाद। खलंगा मैंने ही नहीं, खलंगा पूरे देहरादून वासियों ने जो पेड़ से प्यार करने वाले लोग थे, पौधों से जंगल से प्यार करने वाले लोग थे, उन्होंने बताया। और ये पेड़ की बहुत बड़ी महत्ता है, आप सब यही लगते हैं। धारे देखे तुमने यहाँ नीचे, है ना, पानी निकलते कितने धारे हैं, वो काफी नहीं यार, ऐसी कैसे काफी, एक है, दो है, तीन है, दो धारे, दो हैं, है तीन है शायद, पीछे रायपुर में चश्मा, चश्मा जो जहाँ कितने चश्मे वाले धारे देखे ना, उसके ऊपर क्या है, कभी देखा है, गौर किया, उसके ऊपर देखो सामने क्या है, ये सब क्या दिख रहा है आपको, पहाड़ में क्या है, पेड़, पेड़, पेड़ में कितने पेड़ हैं, बहुत पेड़ हैं, कितने किस्म के पेड़ हैं, बहुत किस्म के पेड़, और ये कितने किस्म का है, एक किस्म का, वो उसे क्या बोलते हैं हम, बहुत किस्म के, बहुत किस्म के पेड़ होते हैं तो वहाँ क्या बोलते हैं, जंगल, जब बहुत किस्म के जहाँ पेड़ होते हैं उसे हम बोलते हैं जंगल, और एक दूसरे को वो बचाते रहते हैं। बहुत किस्म के पेड़ क्या करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, मदद करते हैं, कीड़ों को भी मदद करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, झाड़ी भी होती है, ये है ना, ये सब होता है, और उससे पानी भी निकलता है वहाँ पे। अगर ये हट जाए सब तो पानी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। हवा हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ों से। हवा मिलती है, कुछ और मिलता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कब मिलता है, ऑक्सीजन दिन में या रात को, दिन में, रात को, दिन, अपना ध्यान रखना कब मिलेगा, ठीक है। और इस पेड़ के बारे में बच्चों, हम पेड़ यहाँ लगा रहे हैं, ये पेड़ जामुन का पेड़ है, किस चीज का है ये, जामुन, जामुन सबको अच्छा लगता है खाने में, इसको बचाना है, हमने लगाया। जामुन के पेड़ की भी उतनी महत्ता है जितने दूसरे पेड़ों की, पेड़ बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, और जंगल को भी बचाएंगे, क्योंकि जंगल और पेड़ के अंदर अंतर है, हमें अभी देखना है। अभी कभी आप जंगल घूमने जाना, वहाँ ये देखना कि विदिन एक मीटर के दायरे में जितना घेरे में खड़े हैं कितने किस्म के पौधे हैं, पेड़ हैं, और कितने किस्म की पत्तियों वाले छोटे पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं। मैं आपके टीचर से भी ये विनती करूंगा, आप वहाँ जाना, एक घेरा बनाना, एक कॉपी नोटबुक रखना, और उस नोटबुक में जो जो आपको दिखे, जो जो पेड़ पक्षी पौधा चींटी, कितने किस्म की चींटी, उन सबको लिखते नोट कर, फिर उनको देखना कि एक दूसरे का भोजन कैसे, किसके लिए, हम क्या खाते हैं, फूड क्या है, पैक दाल रोटी चावल सब्जी, ये कहाँ मिलती है हमको, प्लांट से, प्लांट कहाँ होता है, जमीन में, है ना, जमीन में खाद होगी, मिट्टी होगी, तभी तो प्लांट बनेगा, तभी तो खाना होगा, अगर ये नहीं होगा, क्रॉप फसल जो है, वो फसलों के लिए पानी चाहिए, खाद चाहिए, मिट्टी चाहिए, जिंदा, हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, और वो सब ये पेड़ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। और ये ऊपर देखते हो क्या है, आसमान, ये आसमान कैसे होता है, ब्लू, ब्लू,
ये आसमान ब्लू क्यों होता है बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन अगर हम जब अंतरिक्ष में चल जाते हैं ब्लू हिस्सा कवर कर जाते हैं तो कैसा दिखता है हमको मालूम है किसी को, जो चांद पे जाते हैं कैसा होता है वहाँ? अंधेरा, ब्लैक। वहाँ क्या होता है? अंधेरा। तो ये जो है ब्लू जो दिखता है, हम तुम्हें ठंड लगती है ना सर्दियों में तो हम क्या उड़ते हैं? कंबल, रजाई। तो ये पृथ्वी ने ये रजाई ओढ़ी हुई है, पृथ्वी ने ये रजाई ओढ़ी हुई है। ये रजाई क्या करती है? हमें हमें ठंड से बचाती है, मतलब कि अंधेरे से बचाती है। नहीं, अंधेरे से तो नहीं बचाएगी, बचाएगी लेकिन किन? सूरज की अगर सारी रोशनी यहाँ तेज आ जाएगी तो फिर हम नहीं जिंदा रहेंगे। सूरज की हार्मफुल किरणों से बचाती है, किरणों से बचाती है। और जो वापस जाता है उष्मा, किरणें नीचे आई उष्मा वापस गया, तो ये कम्बल कुछ उष्मा को रोक लेता है। जैसे कम्बल जब हम ओढ़ते हैं रात को तो हमारे शरीर की गर्मी का, उसमें कोई हीटर तो होता ही लगा हुआ यार कम्बल में, कम्बल में कोई हीटर होता है? अंगीठी होती है, फिर गर्म क्यों होता है? उसके अंदर कॉटन रहता है, कॉटन पड़ा हुआ है, गर्म दिखेगा जब अगर एक किनारे पड़ा रहेगा हाथ लगाएंगे गर्म दिखेगा हमको, जब हम लेटते हैं तभी गर्म क्यों होता है? शरीर की गर्मी। तो शरीर की गर्मी अगर नहीं रहेगी तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अगर हमारा जो है जीरो पे चल जाएगा शरीर का हिस्सा किस्सा, तो हम क्या हो जाएंगे? तो जैसे हमें बचने के लिए कंबल की जरूरत पड़ती है, धरती को बचाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं ओजोन लेयर। और हम अपने उस कंबल पे छेंक किए जा रहे हैं, वो छेंक नहीं करना, पढ़ना है बाद में। थैंक यू, इतना ही कहना। धन्यवाद भट जी, आपने तो बहुत सारी जानकारी बच्चों को दे दी, इधर इधर बहुत सारी जानकारी आपने बच्चों को दी है, और ये बच्चे भी याद रखेंगे और इस पेड़ की ये रक्षा करेंगे, इसको पानी डालेंगे, इसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया बनाएंगे ताकि गाय वाय इसको न खा सके, करेंगे ना आप? यस मैम। तो इस धरती पर हरियाली लाने के लिए आज ये मालदेवता में हम है, आज हमारे हरियाला माह का 23वां दिन है और हम यहाँ से हमने आज शुरुआत की है, इस उसमें इस कतार में हम पेड़ लगाने वाले हैं। तो इस हरियाली को बढ़ाने के लिए यहाँ हम पेड़ लगा रहे हैं, और इसके साथ मैं अपील भी करना चाहूंगी कि आज जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं इस धरती को हरा भरा बनाना और पेड़ लगाना चाहते हैं तो उनके पास जगह नहीं है तो वो हमारी धात संस्था से संपर्क कर सकते हैं, और फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, सभी पे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए गए हैं। वीडियो हमारी चलती रहती है, तो अगर आप देख करके आप चाहते हैं इस धरती में सहयोग करना, इस धरती को हरा भरा बनाना, पेड़ लगाना, तो आप धात के साथ सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।